मैं जोगिंदर शर्मा तहसीलदार रायपुरानी, आप सभी को मेरी तरफ से वो मेरे तहसील के पूरे स्टाफ की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से निवेदन है और आप लोगों से आशा करता हूं कि दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। और आप सभी से एक प्रार्थना भी और निवेदन भी करना चाहता हूं कि दिवाली को सरकार के द्वारा COVID-19 के लिए जारी की गई हिदायतों के अनुसार ही मनाएं, पटाखे रहित दिवाली मनाएं और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें और अपने अपने परिवार को बचाएं। सरकार की सभी हिदायतों का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें और सभी हिदायतों का पालन करें। मैं बबीता, लेक्चरर मैथ्स, GGHS रायपुरानी से। इस बार दिवाली जो है हमें पटाखा रहित मनानी है और बिना पोल्यूशन के मनानी है, तो आप सभी बस दिए जलाएं और अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सैनिटाइजर जरूर प्रयोग करें और मास्क। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मैं इंस्पेक्टर रामपाल, SHO रायपुरानी, सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही लोगों से अपील करता हूं कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें और अगर जाना है, कोई सामान लेने वगैरह जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, दिए जलाएं, पटाखे कम से कम जलाएं। नमस्कार, मैं नूतन, प्राध्यापक अंग्रेजी, GGHS रायपुर रानी की तरफ से आपको जो है दिवाली की अग्रिम जो है बधाइयां देती हूँ। और इस कोरोना की परिस्थिति काल में मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप जो है प्रदूषण रहित दिवाली मनाइए और सोशल डिस्टेंसिंग और जो ये आप जो मास्क का सैनिटाइजर का बिल्कुल सही तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ ही जो मैं कहती हूँ कि दिवाली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया। मैं डॉक्टर संजीव गोयल, SMO CSC रायपुर रानी, आप सबको अपनी तरफ से और CSC रायपुरानी के स्टाफ की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप दिवाली को बिल्कुल सेफ तरीके से मनाएंगे, प्रदूषण फ्री मनाएंगे और पटाखे वगैरह ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि फेस्टिवल मनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि कोविड अभी भी हमारे बीच है, हमें अपने आप को कोविड से बचाना है। हम सोशल डिस्टेंसिंग करके रखें, मास्क पहने, बार बार अपने हाथ धोएं और हमें इन चीज़ों का बार बार ख्याल रखना है। कोविड के केसेस का एक बार फिर से दोबारा बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, तो हमें इन त्योहारों के दिनों में देखना है कि मार्केटों में भी हम जब भी जाएं तो हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और जब ज़रूरी हो तभी हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रानी, हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रायपुर रानी से सभी गाँव वासियों को, अपने स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को और बच्चों को ये दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से हम दिवाली जो है विदाउट बिना पटाखे के और बिना प्रदूषण के मनाएं और अपना मास्क लगाकर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बिना पटाखे चलाए हम दीपावली मनाएं। एक बार फिर मैं दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सोनू हरियोली, अपने व अपने भाजपा परिवार पंचकुला की तरफ से सभी देश व प्रदेशवासियों को इस दीपावली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और मैं माँ लक्ष्मी धनतेरस दिवस पर यही शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपका परिवार कुशल मंगल स्वस्थ रहे व दिन रात परमात्मा आपको तरक्की प्रदान करे। मैं प्रोमिला शर्मा, GITI रायपुर आने से GI, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि इस बार दिवाली प्रदूषण रहित और पटाखे रहित मनाई जाए और कोरोना और सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए दीपावली मनाई जाए। नमस्कार, देश प्रदेश और रायपुर आने वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के पर्व को मनाते समय आप सब लोग कुछ ना कुछ जो कोरोना महामारी चलते हुए उसकी सावधानी ज़रूर बरतें, जिसमें सबसे पहले मास्क का उपयोग ज़रूर करें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। मैं रमेश कुमार, इंसिडेंट कमांडर रायपुर रानी, पहले तो सभी शहरवासियों को
दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ ही सभी को ये सुझाव है मेरा कि इस दिवाली पे पटाखे कम से कम चलाएं, और क्योंकि पहले ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो सर्दी आने वाली है, तो इससे कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि मास्क लगा के रखें, कोई भी सिम्टम आए अपना टेस्ट जरूर करवाएं और पटाखा रही दिवाली। आप सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। उम्मीद है आप इस पर्व को खुशी हर्षोल्लास से पटाखा रहित मनाएंगे। आप सभी देश व प्रदेशवासियों को दुलकार सरपंच का जुबर पूरी पंचायत की सबसे और पूरी पंचायत को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ इस त्यौहार को शांतिपूर्वक पटाखा रहित ढंग से मनाया जाए। देश और रायपुर रानी के वासियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास चड्डा, मेडिकल ऑफिसर रायपुर रानी से दीपावली के पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब नियमों का पालन रखना है और सैनिटाइजर साथ में रखना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक, रायपुर रानी के सभी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और दीपावली आप प्रदूषण रहित बनाए और सभी मास्क डाल के रखें, सैनिटाइजर अपना साथ में रखें। आप सभी भारत देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप सारे इस त्यौहार को बड़ी खुशी से, प्यार से मिलजुल के मनाएंगे और सबके इसके बार बार मैं डॉक्टर गौरव प्रजापति, मेडिकल ऑफिसर CHC रायपुरानी, अपनी तरफ से रायपुरानी वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि इस बार कोरोना का देखते हुए आप लोग दिवाली जो है पटाखा रहित मनाएंगे, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। दिवाली की एक बार सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, जो कि CSC रायपुरानी में कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्त हूँ। मैं यहाँ के सारे वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि त्यौहार का असली मजा लेने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें इससे कोई नुकसान ना हो। पटाखा रहित दिवाली इस बार हमें मनाए, ये देखते हुए कि पॉल्यूशन बहुत है और लोगों को कोई बर्न इंजरीज पटाखों से ना हो। कोरोना का समय चल रहा है, इसको देखते हुए हमें थोड़ा सा मध्यम लेवल पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाकर, और अगर जाएं भी तो मास्क अपना पहने और किसी के ज़्यादा क्लोज कंटेक्ट में ना आके थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना के। अंत में मैं एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आना वाला वक्त आपके सबके लिए अच्छा रहे। सभी भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को राम राम जी। मैं भाजपा परिवार की तरफ से गांव दंदलावड़ सरपंच जितेंद्र सैनी सभी को, भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, भाजपा परिवार की ओर से, दंदलावड़ की ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोरोना महामारी के कारण इस दिवाली को, पर्व को आप पटाखा रहित बनाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी देश और प्रदेश वासियों को राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। राजू वजीरपुर, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति की तरफ से सभी देश और प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देश प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं नरेंद्र सरपंच गोला से सभी को दीपावली की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। जय भीम साथियों, मैं नीरज सुलेड़ी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी पंचकूला की तरफ से देश और प्रदेश
मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े भाई चंद्रशेखर जी का एक मैसेज आया है, आपसी भाईचारे में दीपावली मनाएं। जय भीम। सभी देश प्रदेश वासियों को जय भीम। मैं अयूब खान, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पंचकुला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम।